तो आज है 6 अक्टूबर और आज आपका जो पेपर हुआ फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे द्रव का जो पृष्ठ तनाव घटता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स आज के शिफ्ट में, वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आया फ्रेंड्स, पिच ब्लेड जो है वो किनसे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम से संबंधित है पिच ब्लेड, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सौर की ऊर्जा जो है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस तरह के रूप में पहुंचती है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस तरह के रूप में पहुंचती है पृथ्वी पर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। आगे चलते हैं, सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है। सिरका निर्माण में किस अम्ल का फ्रेंड्स प्रयोग होता है, तो सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 1952 में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1952 में सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा 3 होता है। NH3 में, यहाँ पे NH3 होता है फ्रेंड्स, NH3 में संयोजकता कितना है, 3 है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मेरे पास अभी इतना ही क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, अगला जैसे ही आ जाएगा मैथ का रीजनिंग का सबसे पहले आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।